Welcome to Free Education. We will have some discussion on Food Safety Standard Act 2006. Okay, so the first question is, what is the procedure for launching a prosecution? So, pehla step kon start karta hai? Commissioner of Food? No. Commissioner of Food Safety will never start this prosecution steps. It starts from Food Safety Officer. Okay, Food Safety Officer, jab kabhi koi sample withdraw karte hain aur koi analysis karte hain sample ka, check karne ke liye, sampling karne ke liye, wo analysis karne ke liye food analyst ke paas bhejte hain. Food analyst kya karte hain? उसको एनालिसिस करके उस रिपोर्ट को डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सेंड करते हैं. डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सेंड करने के बाद उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर अगर उस रिपोर्ट में कोई ऐसा पाया जिसमें कि जो एनालिसिस किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि हेल्थ रिस्क है उस प्रोडक्ट में, तो प्रोसिक्यूशन के लिए कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को रिपोर्ट करेंगे. देन कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी व्हाट ही विल डू, ही विल स्टार्ट दिस बाय सेंडिंग ऑन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एंड प्रोसिक्यूशन विल स्टार्ट इन द कोर्ट इट्सेल्फ. सो द स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेयर ना, फ्रॉम फूड सेफ्टी ऑफिसर, देन फूड एनालिस्ट, देन डेजिग्नेटेड ऑफिसर, देन कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, at last to the court, at last to the court. So our right answer is 2. 2 is the right answer. Next question, which laboratories and research institutions can be notified by the food authority for the purposes of carrying out analysis of samples by the food analyst under FSSAI Act 2006? Food analyst जो भी टेस्ट कुछ भी करना चाहते हैं, अगर एक रेफरल लेबोरेटरीज है तो वो एक्रेडिटेड होना चाहिए. किससे ना, एनएबीएल से एक्रेडिशन प्राप्त लेबोरेटरी से ही फूड एनालिस्ट उसका टेस्ट कर सकते हैं, फूड सैंपल का टेस्ट कर सकते हैं. एनी रिनाउंड लेबोरेटरी? नो. एनी रिनाउंड लेबोरेटरी में फूड एनालिस्ट कैन नॉट डू हिज टेस्ट. He can do the test in accredited enable accredited laboratories. Okay, so our right answer is 1. Next, functions of food analyst. क्या क्या functions है? देखिए, जब भी कोई food analyst food sample प्राप्त करते हैं, वो food sample को he will do the analysis of the food, and after 14 days within 14 days वो analysis का report वो send करते हैं किसके पास, ना designated officer के पास send करते हैं. Okay, तो he has to give the report within 14 days, then receive sample from a food safety officer only. नहीं, फूड सेफ्टी ऑफिसर ओनली नहीं, ही कैन रिसीव द सैम्पल फ्रॉम फूड सेफ्टी ऑफिसर एज वेल एज एनी अदर पर्सन हु इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट सैम्पल. ओके, सो ही कैन रिसीव सैम्पल फ्रॉम फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड एनी अदर पर्सन. देन नीड टू इंडिकेट द मो मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑन द रिपोर्ट. देखिए, जो भी मेथड ऑफ सैम्पलिंग यूज किए हैं वो रिपोर्ट में रहेगा, और क्या रहेगा ना, एनालिसिस का मेथड भी रिपोर्ट में रहेगा. तो आवर राइट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, नॉट टू. टू इज नॉट द राइट आंसर. सो हियर वन एक्सप्रेशन इज गिवन, फूड एनालिस्ट सेल इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड ऑफिसर एंड द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी गिविंग रीजन्स एंड स्पेसिफाइंग द टाइम टू बी टेकन फॉर एनालिसिस. फूड सेफ्टी ऑफिसर
सॉरी फूड एनालिस्ट अगर 14 डेज के अंदर वो रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, उसका रीजन वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर और कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को देंगे कि मैं ये 14 डेज में नहीं कर सकता, आई नीड सम मोर टाइम विद रीजन। ओके, सो आवर राइट आंसर इज 1 and 3। देन कैन एनी वन अपील अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ द फूड एनालिस्ट? कोई अगर अपील करना चाहते हैं फूड एनालिस्ट के अगेंस्ट, क्या वो कर सकते हैं? नो और यस? यस ही कैन डू। एनी वन कैन गो अगेंस्ट द रिपोर्ट। ओके, ही हैज़ टू गो टू हुएर ना, ही हैज़ टू गो टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ओके, एंड इफ ही डिसाइड्स ही विल रिफर द मैटर टू द रिफरल फूड लेबोरेटरी एज नोटिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी फॉर ओपिनियन। ओके, फूड अथॉरिटी में जो रिफरल लेबोरेटरी है उसको वो सैंपल सेंड करेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे। सो आवर राइट आंसर इज येस, एनी वन कैन अपील अगेंस्ट द फूड एनालिस्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन में रेंडर एनी आर्टिकल ऑफ फूड इंजुरियस टू हेल्थ बाय मीन्स ऑफ, कैसे एक आदमी कैसे एक आर्टिकल को फूड और फूड आर्टिकल ऑफ फूड को इंजुरियस कर सकते हैं और एक ऑफेंस कर सकते हैं, एडिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस टू द फूड। कोई भी एक्सट्रेनियस मैटर और सब्सटेंसेस अगर फूड में ऐड कर दिया वो भी एक ऑफेंस है, वो इंजुरियस कर देगा फूड को और कैन कॉज हेल्थ डैमेज। देन यूजिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस एज एन इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द फूड। ओके, ये भी एक ऑफेंस है। अगर एक आर्टिकल, कोई इंग्रेडिएंट हम यूज किए हैं जो कि परमिटेड नहीं है फूड में, तो देट इज ऑल्सो वन ऑफेंस। देन एंड देट ऑफेंस विल बी प्रोसिक्यूटेड। ओके, बाय द डिफरेंट वे। देन एब्स्ट्रैक्टिंग एनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द फूड, कोई खाना में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लेना वो भी एक प्रॉब्लम है, दैट कैन कॉज हेल्थ रिस्क। देन सब्जेक्टिंग द फूड टू एनी अदर प्रोसेस और ट्रीटमेंट, जो प्रोसेस और ट्रीटमेंट नहीं है, नहीं अपार्मिटेड नहीं है, उसमें अगर वो गया, दैट इज ऑल्सो वन वे टू कॉज हार्म। ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑल द वेज कैन कॉज ए फूड इंजुरियस टू हेल्थ। ये सभी प्रोसेस फूड को इंजुरियस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर सबस्टैंडर्ड फूड? पेनल्टी फॉर सबस्टैंडर्ड फूड इज अप टू 5 lakh rupees। 5 lakh rupees के तक, 5 lakh rupees तक पेनल्टी हो सकता है। नो एनी पेनल्टी, देयर विल बी प्रॉपर गाइडेंस। नो पेनल्टी इज देयर इफ यू आर सेंडिंग सब स्टैंडर्ड फूड। इफ यू आर सेलिंग सब स्टैंडर्ड फूड यू विल बी पेनालाइज्ड। सो आवर राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर मिसब्रांडेड फूड? मिसब्रांडेड फूड हम जानते हैं, मिस ब्रांडेड फूड क्या है? अगर वो लेबल में कुछ गलत लिखा है, कोई ब्रांडेड फूड का नेम चेंज करके हम कुछ दूसरा नाम लिख दिया, वो सब मिस ब्रांडेड है। तो व्हाट इज़ द पेनल्टी? नो एनी पेनल्टी, देयर विल बी प्रॉपर एजुकेशन। नो देयर इज पेनल्टी, देयर इज पेनल्टी, देयर इज नो पेनल्टी, इट इज़ रॉन्ग। 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट? देखिए, अगर एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि फॉल्सली डिस्क्राइब करता है, फॉल्स मीन्स गलत तरीके से डिस्क्राइब करता है और मिसलीड करता है, उस सब्सटेंस को डिफरेंट तरीके से प्रस्तुत किया होता है और उसका क्वालिटी के लिए कुछ डिफरेंट ऐसे किसी मिसलीड करता है, फॉल्स गारंटी देता है,
वो उस केस में क्या पेनल्टी है. नो एनी पेनल्टी, देयर विल बी प्रॉपर गाइडेंस. नो, दिस इज रॉन्ग, देयर इज पेनल्टी. पेनल्टी इज देयर, ए पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज इज देयर. ओके, सो आवर राइट आंसर इज 2. देन व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस. देखिए, जो भी स्टैंडर्ड FSSAI स्टैंडर्ड दे दिया है उसको चेंज करने के लिए क्या स्टेप है वो पूछ रहे हैं. द रेगुलेशंस और अमेंडमेंट्स विल बी प्लेस्ड बिफोर द साइंटिफिक पैनल्स. देखिए, ये जो चेंजिंग स्टैंडर्ड होता है ना, जो भी स्टैंडर्ड चेंज करने का, दैट इज़ ए रेगुलर प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है. ओके, रेगुलरली द स्टैंडर्ड इज चेंजिंग. सो इससे पहले, चेंज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी चेंज है उसको साइंटिफिक पैनल के पास देना पड़ेगा. उनका ओपिनियन और उनका रिकमेंडेशन पाने के लिए उनके पास भेजना पड़ेगा कि दिस चेंज वी वांट, दिस अमेंडमेंट वी वांट. देन द रेगुलेशन विल बी अप्रूव्ड बाय द फूड अथॉरिटी एंड ड्राफ्ट नोटिफाइड आफ्टर प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. नोटिफाई करने से पहले, जो भी ड्राफ्ट बनाया गया उसको नोटिफाई करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि वी आर डूइंग सच सच अमेंडमेंट इन द स्टैंडर्ड्स. देन द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इज ऑल्सो नोटिफाइड टू WTO मेंबर कंट्रीज फॉर देयर कमेंट्स. WTO मेंबर कंट्रीज को देना पड़ेगा टू रिसीव देयर कमेंट्स. एंड वी हैव टू वेट फॉर 60 डेज टिल their comments are received. Okay, then the final notification is published. Okay, final जो भी decision लिया गया वो notification निकलेगा and it is published in gazettes of India giving dates of effect. जो भी effective date है वो भी mention किया जाएगा और वो mention कहाँ पर होगा ना, gazette of India में. Okay, so with this we have understood many things about Food Safety and Standard Act 2006. Thanks. Thank you a lot.